नमस्कार, पत्रिका मध्य प्रदेश के स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आस्था। हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भयूजी सुसाइड मामले में पुलिस की जांच पूरी, पुलिस जल्द चालान करेगी पेश। भोपाल से इंदौर जा रही चार्टर्ड बस में लगी आग, टायर फटने के बाद लगी थी आग, सभी यात्री सुरक्षित। प्रदेश में ई अटेंडेंस में अब शिक्षकों की नहीं चलेगी बहानेबाजी, नेट पैक के लिए हर महीने दिए जाएंगे 100 रुपए। रेशम किसानों का धरना जारी, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन तेज करने की धमकी। प्रदेश में जारी है बारिश का दौर, नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी, राजधानी में फिर छाए घने बादल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश की तो नहीं, लेकिन हाँ, छिंदवाड़ा की सड़कें तो पहले से ही अमेरिका की सड़कों जैसी हैं। उन्होंने कहा प्रदेश के आर्थिक हालात पर शिवराज को व्हाइट नहीं ब्लैक पेपर लाना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले ही कहा था कि उनकी सरकार राज्य के शहरों का अमेरिका के शहरों से भी ज़्यादा विकास करेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को सागर में नगर विकास के राज्य स्तरीय पर्व में शामिल होने के लिए गए थे। चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश के शहरों को अमेरिका के शहरों से भी अच्छा बना देंगे। प्रदेश सरकार शहरों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, हम शहरों को संवारने का काम लगातार करते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश के नगर देश में के सबसे स्वच्छ, सुंदर और उन्नत नगर होंगे। मुख्यमंत्री ने सागर में हुए कार्यक्रम में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का ई शिलान्यास और ई लोकार्पण किया था। आध्यात्मिक संत भयूजी महाराज सुसाइड केस की जांच करीब पूरी हो चुकी है। पुलिस रिपोर्ट में पत्नी और बेटी के बीच चल रहे विवाद का, मानसिक तनाव, शादी के बाद उनके आभा मंडल में आई कमी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को कारण बताया गया है। पुलिस का दावा है कि भयूजी महाराज को ना तो किसी ने धमकाया था और ना ही किसी ने ब्लैकमेल किया था। DIG के मुताबिक पुलिस की जांच में पारिवारिक विवाद, अवसाद और आर्थिक तंगी को मुख्य वजह माना गया है। करीब 26 लोगों के बयानों के बाद पुलिस ने किसी को आत्महत्या का दोषी नहीं माना है। भयूजी के मानसिक तनाव की मुख्य वजह दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी और बेटी कुहू के बीच मनमुटाव होना पाया गया है। भयूजी सुसाइड केस में पुलिस की जाँच लगभग हो चुकी है और अब कुछ रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कोर्ट में केस डायरी पेश करेगी। आपको बता दें कि भयूजी महाराज ने 12 जून को सिल्वर स्प्रिंग के बंगले में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड के बाद लोगों ने शंका जताई दी कि भयूजी महाराज सुसाइड नहीं कर सकते हैं और सुसाइड नोट में राइटिंग उनकी नहीं है, लेकिन लैब से आई हैंडराइटिंग रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि सुसाइड नोट भयूजी महाराज ने ही लिखा था, जिसके बाद पुलिस जांच ने तेजी पकड़ ली है। पुलिस ने FSL से बिस्रा रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली है, जिसमें नो पॉइजन लिखा हुआ था। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में पूर्व विधायक राजनारायण सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीकी देख भाजपा सरकार खैरात बांटकर हमारे वोट बैंक में सेंध लगा रही है। अनुसूचित जाति का हमारा परंपरागत वोट भी भाजपा छीन रही है, समय रहते हुए इसकी काट तलाशना जरूरी है। हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जनता सरकार से नाराज है तो हमारी सरकार बन रही है, हमने थोड़ी भी चूक की तो हमारी स्थिति गुजरात जैसी होगी। सीहोर में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी अब ई अटेंडेंस के बहाने नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ई अटेंडेंस के लिए कर्मचारियों के स्कूलों में मिलने वाला सालाना खर्च में प्रति शिक्षक को 100 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। इसका आदेश विभाग ने जारी कर दिया है। साथ ही मोबाइल खराब होने की दशा में भी अपने साथी के मोबाइल से ई अटेंडेंस लगा सकेंगे। वहीं नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही जिले के 6,399 शिक्षकों की गतिविधियों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। शिक्षाकर्मी ई अटेंडेंस को लेकर किसी भी तरह के बहाने नहीं बना सकेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों को 100 रुपये प्रति महीने तक देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस राशि से शिक्षाकर्मी अपने मोबाइल का इंटरनेट डाटा डलवा सकेंगे। आपको बता दें कि ऑनलाइन अटेंडेंस के अलावा ऑफलाइन भी उपस्थिति ऐप के माध्यम से की जा सकेगी।
ड्यूटी के दौरान मोबाइल खराब हो जाए या बैटरी खत्म होने पर भी शिक्षक अपने साथी के मोबाइल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। गौरतलब है कि 9 जून तक 1909 ने ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन अब करीब 6012 शिक्षकों द्वारा ऐप डाउनलोड कर अपनी उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है। एम शिक्षा मित्र को डाउनलोड करने के बाद भी अधिकतर कर्मचारियों को ऐप समझ में नहीं आ रहा था। इसे लेकर ब्लॉक स्तर पर प्राचार्य बीईओ बीआरसी जन शिक्षक के साथ शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं कई शिक्षकों का कहना है कि समय पर ऐप पर अटेंडेंस लगाई जाती है, पर ऐप में 10 से 15 मिनट की देरी से डाटा दर्ज कर रहा है। खंडवा में रेशम किसानों का धरना लगातार जारी है। धरने के दौरान किसानों ने रेशम विभाग की अर्थी निकाली, जिसमें रेशम उत्पादन के समस्या से जुड़े सभी किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर ने किसानों से बातचीत की और किसानों को समझाइश देते हुए कोशिश की कि उन्हें ये बात समझ में आए, जहाँ किसानों ने अपनी सारी समस्याएँ बताई। इसी दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर ने किसानों को धरना खत्म करने की भी बात कही, लेकिन किसानों ने बात नहीं मानी। आपको बता दें कि इसके पहले खंडवा कलेक्टर, जिला पंचायत, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के संयोजक विशाल शुक्ला पहुंचे थे, जिसमें कलेक्टर ने कहा था कि हमारी मनरेगा आयुक्त भोपाल से बात हुई है कि वो आपके भुगतान करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने उनसे भी धरना खत्म करने से मना कर दिया। मजदूरी लेना है, आज किसान लोग को नहीं मिला है, किसान लोग परेशान है, 3-4 साल से परेशान हो रहा। आज ये पैसा पात्र तक नहीं, उन लोग ने बोला है तुम रेशम की खेती करो तुम अच्छे पैसा मिलेगा, अच्छे मजदूरी मिलेंगे। आज इन लोग को पैसा नहीं मिला, मजदूरी मिला, आज ये भुगतान के लिए ये लोग परेशान है। जिला पंचायत में पढ़ा है लोग, आज 2000 जून से उनको बोला था कि 2015 जून में तुम्हारे हिसाब कर देगा, नहीं किया। भोपाल के फंदा ब्लॉक के तुमड़ गांव में मनोहर ब्रजमोहन धाकड़ की सड़क से लगी जमीन को कब्जा करने की नियत से आरोपी प्रेम सिंह और उसके साथियों ने मारपीट की। पीड़ितों का आरोप था कि थाना खजूरी पुलिस और सरपंच पति सुंदर लाल पाटीदार गुंडों को संरक्षण दे रहे थे। राधा पकड़ ने बताया कि प्रेम सिंह उसके साथियों ने 1 जुलाई को उसके भाई अनिल के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया था। वह देखने गांव आई तो उसे भी आरोपियों ने अभद्रता की। पुलिस ने भी गाली गलौज कर उन्हें थाने से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने मामले की शिकायत SSP संजय साहू से की थी। LLP ने पीड़ितों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सर मेरा बाप बीमार है, कम मर जाए, किसी ने वो कहा कि बहुत सीधा सच्चा है मेरा बाप, गम के मारे मर जाता, अगला वो मर, वो तो मर नहीं है, एक ने एक को तो कर लगे। नरसिंहपुर में श्वेतांबर जैन समाज द्वारा सिवनी जिले के बंडोल में निर्मित किए जा तीर्थ स्थल में होने वाली श्री जी की भव्य प्रतिमा शोभा यात्रा के रूप में करेली नगर पहुंची। यहाँ स्थानीय श्वेतांबर जैन समाज के धर्मानुरागियों ने श्रद्धा भाव के साथ नगर के बर्मान चौराहे पर श्री जी का पूजन अर्चन और स्वागत किया। तदोत्प्रांत नगर के मुख्य मार्ग से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सतीश लोनावत, पूर्व नपा उपाध्यक्ष नीरज लोनावत, मनोज लोनावत सहित सभी स्वजातीय बंधुओं एवं महिलाओं ने सहभागिता दी। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए श्वेतांबर मंदिर पहुंची, जहां विधिवत पूजन अर्चना की गई। कटनी में पत्रिका चेंज मेकर अभियान के तहत कटनी विधानसभा क्षेत्र से चेंज मेकर मौसूद अहमद बिट ने अभियान के तहत अभिनव पहल की। मुख्य रेलवे स्टेशन समीप स्थित ए रणविंद्र राव एवं सेठ गुलाबचंद प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। पौधारोपण करने के बाद पौधों को सुरक्षित करने के लिए ट्री गार्ड लगवाए गए। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों को पौधों की सुरक्षा करने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को उनके जीवन में पौधों का महत्व समझाया गया। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ अभियान में भाग लिया और पौधों को हमेशा सुरक्षित रखने की शपथ ली। इस अभियान में क्षेत्र के लोगों एवं स्कूल के शिक्षक व भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही।
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान के तहत नीमच के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई थी ताकि यहां के रहवासियों को उपचार के लिए कहीं भटकना ना पड़े, लेकिन पिछले एक साल में चिकित्सकों का अभाव होने के कारण यहां के मरीजों को जिला चिकित्सालय की ओर रुख करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये क्षेत्र स्वयं विधायक दिलीप सिंह परिहार का होने के बावजूद भी यहाँ चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू नीति शोध की ओर से सोमवार को डॉक्टर उमा परोहा स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में आयोजित नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विषय पर आयोजित व्याख्यान माला में विभिन्न विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिविद प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह ने बतौर मुख्य वक्ता विषय पर अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश में लोगों की सोच तेजी से बदल रही है, एक दृष्टि से यह उचित है लेकिन कई मानों में ठीक नहीं है। कहा कि बदलाव सही दिशा में होना चाहिए। व्याख्यान माला की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह यादव ने की। साजापुर में स्कूल भवन जर्जर होते नजर आ रहे हैं। स्कूलों की मेजर रिपेयरिंग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में जर्जर स्कूल भवनों की सूची मंगवाई गई है। इस सूची आधार पर संबंधित स्कूलों की मेजर रिपेयरिंग के लिए 94,000 रुपये की राशि प्रति स्कूल के हिसाब से जारी की गई, लेकिन साजापुर जिले में अधिकारियों ने जर्जर भवनों की सूची भेजने में लापरवाही बरती। जिन स्कूल भवनों की मरम्मत की सख्त आवश्यकता थी उन स्कूलों के नाम की सूची तक शामिल नहीं की गई, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी रिपेयरिंग में काम चल जाता है वहाँ के लिए राशि आवंटित कराई गई। अधिकारियों के इस रवैये से मेजर रिपेयरिंग के मामले में जमकर घालमेल होने की बात सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद शहर के निजी स्कूल बसों में नियमों को ताक में रख बच्चों को लाने ले जाने का काम बेखौफ जारी है। आरटीओ और यातायात पुलिस ने 9 निजी स्कूलों की करीब 30 वाहनों की जांच की, जिसमें 8 बसें यातायात नियमों में अनफिट पाई गईं। आरटीओ यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 30 बसों की जांच की गई, जिनमें से सरस्वती शिशु मंदिर, सेंट जेवियर्स और विद्या मंदिर स्कूल सहित स्कूलों की 8 बसों में खामियां पाई गईं, जिसके बाद सभी को वाहनों के कागजात पूरे करवाने के निर्देश दिए गए। दमोह में मारुताल के समीप खड़े ट्रक से स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चों को गंभीर रूप से चोटें लगी हैं, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने एक की हालत नाजुक बताई है और उसे जबलपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दमोह जबलपुर नेशनल हाईवे पर सुबह DPSG स्कूल की मिनी बस नोटा क्षेत्र के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, उसी दौरान खड़े ट्रक से मिनी बस टकरा गई। वहीं घटना की जानकारी लगते मौके पर पुलिस पहुंची और उसने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीहोर में इंदौर भोपाल हाईवे पर बीती रात एक चार्टर्ड बस में आग लग गई। घटना में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक देवास के बॉबी ट्रेवल्स की बस भोपाल से इंदौर जा रही थी। सीहोर के पास जागीरापुरा मोड़ पर अचानक इस यात्री का बस का टायर फट गया और जोरदार धमाका हुआ। धमाके के कारण बस में आग लग गई। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। टायर के पास से लगी आग से धीरे धीरे पूरी बस को चपेट में ले लिया। जिस समय घटना हुई उस समय बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे। जो यात्री थे उन्हें तुरंत बस से नीचे उतार दिया गया, लिहाजा कोई जनहानि नहीं हुई है। जब घटना हुई उस समय क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, इसके बावजूद बस ने आग पकड़ ली थी। बस देवास RTO से देवास की श्रीमती मनीषा यादव के नाम से रजिस्टर्ड है। आगजनी की घटना पर सीहोर से दमकल ने गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी सामने आई है। कमलनाथ से नाराज चल रही मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की बैठक से उठकर बाहर चली गईं। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले वे दूसरी कतार में बैठी हुई थीं, लेकिन जब कमलनाथ बैठक में पहुंचे उन्होंने मीनाक्षी नटराजन को मंच पर आने का इशारा किया तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और उठकर चली गईं। सोमवार को PCC कार्यालय में पूर्व विधायक और सांसदों की बैठक रखी गई। इसमें प्रदेश भर के कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भाग ले रहे हैं। असल में कुछ महीनों पहले मीनाक्षी नटराजन के विरोध के बावजूद मंदसौर स्थानीय नेता को पार्टी में जगह दे दी गई थी। इससे नाराज होकर नटराजन ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था।
तब से वह पार्टी से नाराज चल रही हैं। इस घटना से एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी बाहर आ गई है। बता दें कि इससे पहले भी मीनाक्षी नटराजन की प्रदेश कांग्रेस से टकराहट सामने आई थी, जब नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस की समितियां बनाई थी। उस दौरान मीनाक्षी नटराजन ने समर्थकों ने मंदसौर और रतलाम के बड़े पैमानों पर पार्टी पदों से इस्तीफा देने शुरू कर दिए थे। यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में कमलनाथ द्वारा गठित प्रदेश कार्यकारिणी में महिला सदस्यों की संख्या कम रखी गई है और मीनाक्षी नटराजन से भी उस बारे में कोई सलाह नहीं ली गई है, जिसके चलते वह नाराज बताई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बड़े भाई पूर्व विधायक स्वामी प्रसाद लोही के अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ झांसी रोड स्थित फार्म हाउस पर किया गया। स्वामी प्रसाद को अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित करीब आधा दर्जन मंत्री और कई बड़े नेता टीकमगढ़ पहुंचे थे। बता दें कि स्वामी प्रसाद लोधी का रविवार नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे करीब 75 वर्ष के थे और लगभग 8 साल से तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे। आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे बेटी नित्या और पुत्र नील को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी श्रीमती सुमन सिंह का 10 साल पहले ही निधन हो चुका है। भिंड में कार और ट्रक में हुई भीषण टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। आमने सामने इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। जिन 3 लोगों की मौत हुई है, वे तीनों कार में ही सवार थे। जानकारी के मुताबिक भिंड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग 92 पर ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। बरही थाना इलाके में ट्रक और कार के बीच आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ट्रक के अनियंत्रित होने के बाद यह हादसा हुआ था। ट्रक गिट्टी से भरी हुई थी और काफी ज्यादा वजन होने के कारण वो असंतुलित हो गया था। रतलाम में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने महाविद्यालय समिति व भाजपा की बैठक ली। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया तो वे पूरे राज्य में प्रसाद का वितरण करेंगे। सिंधिया का सीएम के रूप में प्रोजेक्ट होना ये बता देगी कि कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व ही पराजय स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्री ने कहा 1993 से लोक सेवा आयोग ने नए प्राध्यापक की भर्ती नहीं की थी। इसको शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरू किया था। राज्य में 3000 नई भर्तियां होने वाली हैं। इसमें क्रीड़ा से लेकर पुस्तकालय के ग्रंथपाल भी शामिल किए जाएंगे। वहीं शिक्षा के स्तर को लेकर मंत्री ने कहा है नए शिक्षा स्तर से भर्तियां होने के लिए शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। आपको बता दें कि आगामी 16 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आ रहे हैं। इसके पूर्व भाजपा में प्रतिदिन अलग अलग बैठकें की जा रही हैं। बड़ा परिवर्तनकारी कदम हायर एजुकेशन में आने वाले दिनों में सिद्ध होगा। क्रीड़ा और लाइब्रेरियंस को लेकर भी रिक्वायरमेंट PSC की ओर गए हैं। ये बड़ी ज़रूरत है कि नियमित प्राध्यापक कॉलेजों में हों और इसको हम पूरा करने वाले दिनों में सिद्ध होगा। क्रीड़ा और लाइब्रेरियंस को लेकर भी रिक्वायरमेंट PSC की ओर गए हैं। ये बड़ी ज़रूरत है कि नियमित प्राध्यापक कॉलेजों में हों और इसको हम पूरा करने जा रहे हैं नए सत्र में। उससे हमारा जो गुणवत्ता का स्तर है उच्च शिक्षा का, इसमें सुधार आएगा। पन्ना के जिला अस्पताल में दिन पर दिन लापरवाही की घटना सामने आ रही है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से वार्ड में अनचाही भीड़ जमा रहती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस वार्ड में गर्भवती महिलाएं नवजात शिशु भर्ती रहते हैं और भीड़ बढ़ने के कारण संक्रमित बीमारियाँ फैलने का डर बना रहता है। दमोह में लायनेस क्लब मैत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि नपाध्यक्ष मालती असाटी व शपथ अधिकारी लायने उषा वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहीं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायनेस ज्योति चिले, सचिव एकता जुनेज, कोषाध्यक्ष उमा जुड़िया सहित अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई गई। पूर्व अध्यक्ष पद्मा रुबे ने कार्यभार सौंपते हुए सभी का आभार माना। इस दौरान संचालक मंडल ने अनिता टंडन, रोजी बग्गा, स्मृति खरे, मनोरमा रतले सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान सहयोगियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष उमा जड़िया जी, अब आपको वहां नहीं, वहां बैठना।
शिवनी केवलारी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में हुई आर्थिक अनियमितता के मामले में निलंबित प्राचार्य शीतल प्रसाद सरेराय की शिकायत पर जांच की गई है। डीईओ के निर्देशन से गठित टीम के द्वारा जांच पूरी कर रिपोर्ट डीईओ को सौंपी गई है। डीआई ने रिपोर्ट के आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय केवलारी के वरिष्ठ अध्यापक को भी सह आरोपी माना है। इसी आधार पर उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग व शिक्षकों में आर्थिक गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है। सीहोर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए जल्द दो नई एम्बुलेंस आएंगी। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत ने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी को दो एम्बुलेंस क्रय करने के लिए कलेक्टर तरुण कुमार पिथौड़े को 20 लाख रुपए का चेक दिया है। कलेक्टर तरुण कुमार पिथौड़े ने बताया है कि अस्पताल में मरीजों को उपचार में परेशानी नहीं आए, इसके लिए शीघ्र ही दो नई एम्बुलेंस अस्पताल में आ रही हैं। इससे मरीजों को उपचार कराने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि जिला अस्पताल में लगातार शिकायतों और विवादों की घटनाओं के बाद SDM विनोद कुमार चतुर्वेदी ने अस्पताल प्रबंधन की बैठक ली थी। इसके साथ ही अस्पताल में बिगड़ी स्थिति को लेकर अस्पताल प्रबंधन को सुधरने की स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दी थी। बिना में शासन के रुपयों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण PG कॉलेज में हो रहे निर्माण कार्य में दिखा। जिन भवनों का कोई उपयोग नहीं है, उन भवनों का निर्माण लाखों रुपए खर्च कर किया जा रहा है, जो कुछ वर्षों बाद खंडहर बन जाएंगे। पहले भवन भी आज तक शुरू नहीं किए गए और वह खंडहर बन गए हैं। शासकीय PG कॉलेज में वर्षों पूर्व गर्ल्स हॉस्टल के लिए दो भवन बनवाए गए थे, जो बनने के बाद आज तक नहीं खोले गए हैं और अब ये भवन जर्जर हालत में पहुंचने लगे हैं। वहीं अब कॉलेज परिसर में लाखों की लागत में बॉयज हॉस्टल बनकर तैयार हो चुका है। सीहोर में पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान के तहत पर्यावरण को हरा भरा रखने टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यापक संघ के सदस्यों द्वारा पौधरोपण का काम भी किया गया। लोगों ने फलदार, छायादार विभिन्न प्रजातियों के एक दर्जन पौधे लगाए, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए देखभाल का संकल्प भी लिया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान अध्यापक संघ के सतीश ने कहा कि पर्यावरण को हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसके लिए सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे, साथ ही लगाए गए पौधों को वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान संजय सक्सेना ने कहा कि पत्रिका की यह अभिनव पहल काफी सराहनीय है, इसमें सभी को शामिल होकर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। आज हमारे अध्यापक संविदा शिक्षक संघ के तत्वाधान में पत्रिका के हरित प्रेरित अभियान के तहत पीयूपीयू हब पर पौधारोपण किया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो पत्रिका द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी ये कार्य किया गया था, तब हमने इसमें सहयोग प्रदान किया था और हम चाहते हैं कि आप ये लगातार चलाते रहें, जिससे लोगों में जागरूकता बने और पर्यावरण के प्रति उनका रुझान हो। उज्जैन में हर साल की तरह इस वर्ष भी पत्रिका ने सामाजिक सरोकार के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। वन विभाग की मदद से 500 पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए समाज सेवी अन्य को DFO ने पौधारोपण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों और बारियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में DFO PN शर्मा, रेजर GP मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विशेष अतिथि DFO PN मिश्रा ने पौधारोपण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। DFO ने बताया कि पौधारोपण तनाव मुक्ति का एक साधन है। जब भी आप तनाव में हो तो अपने द्वारा लगाए गए पौधों के पास कुछ पल बिताएं, आपको 100% शांति का एहसास होगा। ये बात केवल भाव की नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। कटनी में तेज हवाओं के साथ 10 मिनट तक जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद फिर से बादल ओझल हो गए। आज फिर शहर में लोगों को उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन 10 मिनट की बारिश के बाद आसमान से बादल गायब हो गए। आपको बता दें कि जिले में इस साल वर्षा नहीं होने के कारण खेती का काम भी पिछड़ता जा रहा है। बारिश अब 10 मिनट बरसने के बाद ही रुक गई है। हालांकि लोगों को अभी भी उम्मीद है कि बारिश होगी। बारिश होने के कारण लोगों को उमस से राहत मिली है। सुबह से तेज धूप के कारण लोगों को काफी गर्मी महसूस कर रहे थे। पत्रिका के स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए पत्रिका TV के साथ। नमस्कार।